आप देख रहे हैं समय प्रभात। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक प्रताप सरनाईक ने काफी अहम मुद्दों पर जानकारी दी और नए डीपी प्लान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नए डीपी प्लान का भी विरोध किया। आइए जानते हैं विधायक प्रताप सरनाईक से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया उसके अगेंस्ट मैंने 28 नवंबर 2022 को जो नियुक्त अधिकारी है विकास आरा खड़ा के उनको खत दिया था और खत में मैंने उनको बोला था कि जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के है वो उनका प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको दूंगा। मैंने वो यादी उनको दे दी, मगर यादी ये तो शासकीय कामकाज का एक पार्ट है, मगर मेरा ये कहना है कि ये जब ही डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो इस डेवलपमेंट प्लान में ना ही किसी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, ना ही किसी महानगर पालिका के आयुक्त और शहर विकास विभाग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बांधकाम विभाग के कोई अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेते हुए शहर की 25 साल की जो जरूरत है वो जरूरतों का विचार नहीं किया गया। इस शहर के आदिवासियों के ऊपर, इस शहर के भूमि पुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला वो डेवलपमेंट प्लान है, ये हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही में इस शहर के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, इस शहर में काम करने वाले वो लोग नहीं है, वो थाना के एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डेवलपमेंट प्लान 5-6 जो संगणक तज्ञ लड़के लोग लड़कियां हैं उनको लेके अगर ब्लू लाइन कहाँ पे, रेड लाइन कहाँ पे, येलो लाइन कहाँ पे, ग्रीन लाइन कहाँ पे, अगर वो वहाँ पे बैठ के रिजर्वेशन और बाउंड्रीज फिक्स करते रहेंगे तो शहर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान 25 साल आगे चलने वाला है। इस डेवलपमेंट प्लान में भविष्य की सभी जिम्मेदारियां जो हमारी है लोक प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, वो जिम्मेदारी के साथ में और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने वाला डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग हैं उनका तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसे डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है, मगर जिसके ऊपर आप आरक्षण डालोगे तो आरक्षण सही जगह पे डाला कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। हमने देखा चेना में, अगर आप देखते हैं तो चेना में लेफ्ट साइड में तो पिछले 50-60 सालों पुरानी एक स्मशान भूमि है, मगर 100 मीटर अंतर पे वापस दूसरी स्मशान भूमि का आरक्षण डाला गया। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक एनडी जोन है, क्योंकि एनडी जोन में रिजर्वेशन अगर चेंज करते हो आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो तो उसका किस वजह से आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो उसका सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मगर वो नहीं पहुंचाई गई है। इंडस्ट्री जोन है इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में इंडस्ट्री बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री जोन की बजाय उधर एनडी जोन डाल दिया गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर उनको डेवलप करना है उनकी इंडस्ट्री तो जाएंगे कहाँ पे। बहुत सारी ऐसी गलतियां इस डेवलपमेंट प्लान के निर्माण में हो गई और हमारा यही कहना है के कलेक्टर ऑफिस में बैठ के और कलेक्टर ऑफिस के बाद में प्राइवेट डेवलपर के ऑफिस में बैठ के ये अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है, किसी डेवलपर के और कुछ जमीन वाले लोग हैं जिनकी ज्यादा जमीन इस शहर में है उन लोगों को विश्वास में लेके ये डेवलपमेंट प्लान बनाया। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को और शहर के विकास, शहर विकास विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए ये डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया करके ये डेवलपमेंट प्लान पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए और सभी पार्टी के सभी नेताओं को और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जानकार नागरिकों को, उसमें शायद पत्रकार भी कुछ हो सकते हैं, सीनियर और हमारे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन लोग को विश्वास में लेके उनकी एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही में महानगर पालिका के कमिश्नर और बांधकाम वाटर सप्लाई और शहर विकास विभाग के सभी अधिकारियों की एक समिति बना के उस समिति के माध्यम से नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।